भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने निजी हित साधने के लिए पार्टी छोड़ी है, इसका पार्टी पर कोई असर नहीं है। भाजपा सांसद ने मौर्य के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा दलित, गरीब, मजदूर, किसान एवं व्यापारी के हित का कार्य किया है। सबका साथ सबका विकास पर ही भाजपा देश एवं प्रदेश का विकास कर रही है। कस्बे में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक से निवृत्त होने के बाद भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने पत्रकार से हुई वार्ता में स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ने पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए कहा कि मौर्य ने निजी हित साधने के लिए ही ये निर्णय लिया है। सांसद ने मौर्य के भाजपा पर दलित एवं गरीब विरोधी आरोप को खारिज करते हुए इसे बिल्कुल निराधार एवं बेतुका बताया। उन्होंने कहा, भाजपा हमेशा दलित, गरीब, मजदूर, किसान एवं व्यापारी के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा, भाजपा सबका साथ सबका विकास के साथ ही देश एवं प्रदेश का विकास कर रही है। भाजपा सांसद ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर घर पहुंचकर जनसंपर्क करने एवं लाभार्थियों को मिलकर उनका सम्मान करने का भी आह्वान किया। आइए सुनते हैं सांसद प्रदीप चौधरी जी ने क्या कहा। झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा के साथ। जो आपका दौरा है झिंझाने में, ये जान सकता हूँ किस लिए है? चुनाव के दृष्टिकोण से सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सभी की जिनकी जो जिम्मेदारी लगाई गई है उसी के निमित्त आज की ये बैठक कुछ प्रमुख लोगों की यहाँ रखी गई थी, उसी के निमित्त हमारे प्रभारी सह प्रभारी हमारे संजय भाटिया जी यहाँ बैठक लेने के लिए आए थे। और जो विषय चुनाव संबंधी जिसकी जो जिम्मेदारी लगाई गई है उन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार से हो रहा है, चुनाव में किस दिशा में हम लोगों ने किस प्रकार से चुनाव को अच्छी प्रकार से अपनी पकड़ में रखने का काम करना है और कैसे कैसे हम लोगों ने काम करना है उसी के निमित्त आज की बैठक हम लोगों ने रखी है। अच्छा, जैसा मौर्य जी का ये जो कैबिनेट मंत्री हैं मौर्य जी, उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया है, तो इसका क्या प्रभाव भाजपा पर पड़ेगा चुनाव पर, आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? प्रसाद मौर्य जी कुछ अपने स्वयं के हित साधने के लिए ऐसा उन्होंने निर्णय लेने का काम किया है। बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली उनके सामने अगर कोई परेशानी थी आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले भी कोई बात वो पार्टी फोरम पर रख सकते थे, लेकिन नहीं, उनका एक आरोप जिस प्रकार का वो लगाने का काम कर रहे हैं जो सरासर निराधार है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सभी गरीबों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, किसानों का, हर गरीब से गरीब व्यक्ति का ध्यान रख करके उन सभी प्रकार के पहलुओं को प्राथमिकता पर पूरा करने का काम किया है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं थी, उनका हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से निराकरण करने का काम किया है। जो भी संभव हो सकता था उसी को संभव करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। तो अब जो कार्यकर्ता है, जो घर घर की प्लानिंग है, घर घर संपर्क की, वो क्या है? यानी भाजपा के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर डिजिटलाइज तरीके से इस चुनाव प्रचार में हम लोगों ने लगना है और कोविड के प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखने का काम करना है। उसी के निमित्त जिस प्रकार की रूपरेखा हमारी इस आईटी सेल के माध्यम से या प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए कोरोना के उसके अकॉर्डिंग जो भी अपना ठीक प्रकार से हम लोग प्रचार करने का काम कर सके वही करेंगे। ठीक। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि लाभार्थियों से मिलना जा रहा है, यानी भाजपा कार्यकर्ता सिर्फ लाभार्थियों से मिल रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? केवल लाभार्थियों से तो मिलना हमारी सरकार की प्राथमिकता है ही है। अच्छा, किस प्रकार के लाभार्थी? बहुत, जैसे कि किसी को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है, किसी को आवास का लाभ मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है, बिजली का कनेक्शन मिला है, अन्य बहुत सारी सुविधाओं से लाभान्वित लोगों का अवसर मिला है लाभ लेने का,
उन सभी लाभार्थियों तक हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उन तक पहुँचे, ताकि उनको ये भी एहसास हो कि ये काम जो आप लोग का हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी की योजना के माध्यम से आप लोगों को लाभ मिला है। जहाँ तक मैं देखने को हम लोग को मिलता है, कभी कभी दूसरी पार्टी का व्यक्ति हमारी योजनाओं का, हमारी सरकार तो हमारी उनको लाभ देने का काम कर रही है, दूसरा आदमी उस पर अपनी मोहर लगाने की का प्रयास करता है कि मैंने तुम्हारा फार्म भरवाया था, मैंने तुम्हारे से मकान दिलवाने का काम कर दिया, मैंने तुम्हारे से उज्ज्वला योजना के अंदर गैस का कनेक्शन देने का काम, दिलवाने का काम कर दिया। ऐसे ऐसे तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम किया जाता है। इस प्रकार से कोई भ्रमित न हो और सजग होकर के सतर्कता के साथ और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ जुड़ करके ये एहसास करे कि ये योजना जो आप लोगों को लाभान्वित, जिस योजना के साथ आप लाभान्वित हुए हैं वो योजना भारतीय जनता पार्टी की योजना है। ठीक, तो क्या कार्यकर्ता लाभार्थियों के अलावा भी जनसंपर्क में जुटेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा लाभार्थी